बाईस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं घेवर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की जो पहली प्रश्न है उसके अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चन लाए हैं, प्रश्न लाए हैं, आप किसकी माँ के बाप की संतान हो, इस प्रकार के कई प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। एक फिल्म में दो कलाकार है जिसमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो दोनों कलाकारों के मध्य क्या संबंध है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तब तक आपके पास 5 सेकंड का समय है और आप इसका मुझे उत्तर कमेंट करके बताइए। एक फिल्म में दो कलाकार है जिसमें एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो दोनों कलाकारों के मध्य क्या संबंध है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पति पत्नी, क्या उत्तर होगा पति पत्नी। देखिए पति पत्नी कैसे करना है वो देखिए, आप एक कलाकार ए मान लो और दूसरा कलाकार बी, जिसमें से एक, किसी एक को ले लो ए, दूसरे के यानी बी के बेटे का बाप कौन है, ए, ए बाप है इसके बेटे का, इसका मतलब ये कौन हो सकती है, ये बाप है तो ये माँ ही होगी क्योंकि इन्हीं का बेटा है, तो ये हो जाएगी माँ। और इन दोनों के मध्य क्या होगा, गहरा संबंध, इसका मतलब दोनों कलाकारों के मध्य क्या संबंध है, पति पत्नी। फिर चलते हैं अगले सवाल पर, और ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से पढ़िए इस सवाल को और मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। मैं पढ़ रहा हूं सवाल, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय करवाया कि मेरी सास और इसकी सास माँ बेटी है, तो उस व्यक्ति और उस महिला में क्या संबंध है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल मैं वापस पढ़ रहा हूं, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय करवाया कि मेरी सास और इसकी सास माँ बेटी है, तो उस व्यक्ति और महिला में क्या संबंध है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो डायग्राम से हमेशा करना, चित्र बनाकर, कैसे, देखिए ये कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, पुरुष को हमेशा अपन प्लस से दर्शाते, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी है ब्लड रिलेशन रिश्ता संबंधी उनको बहुत अच्छे से पता है, जिन्होंने नहीं करी तो वह जरूर करे। तो ए व्यक्ति है, पुरुष है, प्लस दिखा दिया, इसकी सास कौन होगी, इसकी पत्नी, और पत्नी की माता ये इसकी सास हो जाएगी। अब उसने कहा इसकी सास और यानी व्यक्ति की सास और उस महिला की सास आपस में मां बेटी है, ये मां है तो इसकी बेटी तो ये है, और ये किसकी सास होगी, कौन सी महिला की ये सास होगी, इसके बेटे की, इसके बेटे की पत्नी यानी पुत्र वधू की ये सास होगी और इस व्यक्ति की ये सास होगी। इसका मतलब ये तो वो व्यक्ति है और ये वो महिला है, तो इसके बेटे की पत्नी है, तो ये इसके लगेगा ससुर और ये होगी पुत्र वधू, ससुर पुत्र वधू, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वापस देखिए, व्यक्ति ने कहा कि मेरी सास, ये व्यक्ति की सास, और इस महिला की सास, महिला की सास कौन होगी, इस व्यक्ति की पत्नी, और ये आपस में दोनों माँ बेटी है कि नहीं है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल पर, जो आपकी हेडिंग थी, इसका थंबनेल था, क्या आप किसकी माँ के बाप की संतान हो, तब आपको यहां से चलना है, लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की माँ, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके पिताजी की संतान हो आप, यानी आप इनकी संतान हो, तो देखिए ये आप उनकी संतान हो, तो देखिए आपको क्या पूछा, आप, तो अगर आप लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप अपना भांजा या भांजी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, भांजा या भांजी, भांजा या भांजी की मां कौन, आपकी बहन, उसके पिताजी की आप संतान होंगे, बिल्कुल सही, तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भांजा या भांजी। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे से लगातार जुड़े रहना, आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पहेलियों के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।